हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। सीएम शिवराज सिंह चिरायू अस्पताल में भर्ती हुए हैं। बताया जा रहा है कि सीएम 14 दिन तक चिरायू अस्पताल में रहेंगे। सीएम शिवराज ने ट्वीट कर अपील की है, जो भी मेरे संपर्क में आए हैं वो अपना कोरोना टेस्ट करवा लें और मेरे निकट संपर्क वाले क्वारंटाइन चले जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा, मेरी अनुपस्थिति में कोरोना की समीक्षा बैठक। अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, नगरीय विकास एवं प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग, स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़ने की कोशिश करूंगा। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम आपको तीन तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जिसमें उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी कि वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दूसरी तस्वीर में जिसमें वो चिरायू अस्पताल के लिए निकले हैं सीएम हाउस से, और तीसरी तस्वीर जिसमें चिरायू अस्पताल पहुंचकर सीएम शिवराज सिंह चौहान अपना इलाज शुरू करवा चुके हैं, चिरायू में भर्ती हो चुके हैं। इस खबर पर अपडेट लेंगे हमारे संवाददाता, विशेष संवाददाता जुगल किशोर शर्मा सीधे जुड़ रहे हैं। जुगल, शिवराज सिंह चौहान चिरायू अस्पताल पहुंच चुके हैं, पहले उन्होंने ट्वीट कर यह जानकारी दी और अब अस्पताल में भर्ती हो गए, इलाज जारी है। क्या कुछ अपडेट है अब इस पूरे मामले में? देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चिरायू मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो गए हैं और उनका जो औपचारिक टेस्ट होते हैं, जो भी कोरोना पेशेंट जब चिरायू अस्पताल में भर्ती होता है तो जो भी टेस्ट होते हैं वो सभी टेस्ट हो रहे हैं, जिसमें सिटी स्कैन होता है, चेस्ट एक्सरे होता है, ब्लड टेस्ट होता है, सेचुरेशन लेवल देखा जाता है। तो तमाम जो जाँच की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है और इनकी रिपोर्ट देर शाम तक आ सकती है कि क्या जो स्वास्थ्य संबंधी जो भी उनकी जाँच हुई है उसमें क्या रिपोर्ट है। मैं इस वक्त बीजेपी कार्यालय में खड़ा हूं। देखिए, बीजेपी कार्यालय में अब जो आज लॉकडाउन के बाद और जिस तरीके से संक्रमण हुआ है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, उसके बाद से यहां पर पूरा सन्नाटा है। तमाम नेता एक तरह से क्वारंटाइन हो चुके हैं घर में। अब यहां बीजेपी कार्यालय में कोई भी नहीं मौजूद है, सभी नेताओं को क्वारंटाइन रहने के लिए निर्देश दिया है, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान परसों यहां बीजेपी कार्यालय आए थे, जहां उन्होंने नारायण पटेल ने जब सदस्यता ली थी तब वो यहाँ मौजूद थे। उसके बाद से बीजेपी कार्यालय को पूरी तरीके से लॉकडाउन कर दिया गया है। यहाँ लिखा है कोरोना संक्रमण की दृष्टि से गाड़ी बाहर लगाएं, यानी अब किसी गाड़ी को भी अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से ये सियासी हलकों में एक बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। और उसके बाद से कई नेता और अधिकारी, हमारी कुछ अधिकारियों से बात हुई है जो बेहद निकट रहते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के, चाहे वो OSD हों, चाहे वो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के अधिकारी हों या अन्य विभाग के अधिकारी, जिनसे सीधे CM से रोज जिनका रूबरू होना होता है, वो सभी अधिकारी भी क्वारंटाइन हो गए हैं और सभी, लगभग सभी अधिकारी अपनी जाँच करवा रहे हैं और कई मंत्री जो उनके संपर्क में थे वो भी अपनी जांच करवा रहे हैं। बिल्कुल जुगल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस ट्वीट कर जानकारी देते हुए इस बात की अपील भी की थी कि जो भी मंत्री नेता उनके संपर्क में आए थे वो अपना कोरोना टेस्ट करवा लें और उसके साथ ही खुद को होम क्वारंटाइन कर दें, और अधिकारियों से भी यही कहा था। जिसके बाद अब सभी जो मंत्री हैं, जो लगातार मुख्यमंत्री के संपर्क में आए हैं, उन वो जाहिर तौर पर अपना टेस्ट कराएंगे और उसके अलावा अधिकारियों के भी क्वारंटाइन होने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है।